ग्यारहवें दिन भी जारी रहा ग्राम विकास अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को अपनी 7 सूत्री मांग पत्र पर सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। डिडवाना ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा डिडवाना के अध्यक्ष राकेश मिर्धा के नेतृत्व में पंचायत समिति डिडवाना के ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला कलेक्टर नागौर को पंचायत समिति परिसर में आयोजित कैंप के निरीक्षण के दौरान पधारने पर अपनी 7 सूत्री मांग पत्र पर सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौता दिनांक 1 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर 2021 एवं 6 सितंबर 2022 को लागू करवाने को लेकर ज्ञापन दिया। आज 11वें दिन भी सभी ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर सरकार से समझौता लागू करने की मांग की है। संगठन के जिला प्रतिनिधि मोहन प्रजापत ने बताया कि सरकार के साथ जिला स्थानांतरण नीति व कैडर स्ट्रैथन व लंबित पदोन्नतियों को लेकर पूर्व में सहमति व समझौता हो रखा है, जिसे लागू करवाने हेतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। समझौता लागू नहीं करने पर प्रदेश स्तर से लिए निर्णयानुसार आज प्रशासन गांव के संघ अभियान 2023 महंगाई राहत कैंपों में असहयोग कर सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में ग्राम विकास अधिकारी विकास डोटासरा, हरिराम ज्ञानी, धर्मपाल, पूर्ण सिंह, मुकेश डडवाल, सुनील कुमावत, महेंद्र गुरुबख्श, परवेंद्र शर्मा सहित ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर श्रीमान क्यू जी सामरिया आज डीडवाना बचत राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा उनको ज्ञापन दिया है, उनके माध्यम से सरकार तक ज्ञापन पहुंचाया। उन्होंने आश्वासन किया कि वो सरकार को ज्ञापन पहुंचाएंगे और सरकार से वार्ता करके जल्द से जल्द अपनी मांग पूरा करवाएंगे। धन्यवाद। विकास अधिकारी संघ के प्रदेश व्यापी निर्णय के अनुसार हम पंचायत समिति डीडवाना के सभी ग्राम विकास अधिकारी 21 अप्रैल से नियमित रूप से धरने पर बैठे हैं और हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारे सरकार के साथ में 7 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में 3 बार समझौता हो चुका है और उस समझौते को लागू करवाने के लिए हमारा संगठन आंदोलन कर रहा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे संगठन की वाजिब मांगों का तुरंत समाधान किया जाए, जिनके अंदर हमारी प्रमुख मांग है जिला स्थानांतरण नीति बनाना और दूसरी प्रमुख मांग है 9/18/27 का चयनित वेतनमान लागू करवाना और इसके अलावा कैडर स्ट्रेंथन सहित हमारी प्रमुख मांगे हैं और आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मांगों पर जल्द सुनवाई करके हमारी वाजिब मांगों का समाधान किया जाए और हम अनवरत रूप से धरने पर बैठे हैं और जो सरकार द्वारा कैंप प्रशासन गांव के संग 2023 आरंभ किए गए हैं, हमारे द्वारा उनका बहिष्कार किया जा रहा है, आमजन को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि शीघ्र हमारी मांगों का समाधान करें ताकि हम सरकार के मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे कैंपों के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आमजन को अधिक से अधिक फायदा दिला सकें।